हेलो एवरीवन, फिर से आपका बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम का चैप्टर चालू कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। चैप्टर इज नोन एज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज का अकाउंटिंग किया कैसे किया जाता है। एक्चुअली आप ये अगर डिटेल में देखने जाओगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें सब पार्ट्स है, लाइक फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स। सो हम लोग ये चैप्टर में पर्टिकुलरली इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या रहने वाले हैं वो देखने वाले हैं। इन शॉर्ट, कंपनी को मिलने वाला पैसा कहाँ से कैसे मिलेगा, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो। सो ये जो शेयर्स, डिबेंचर्स, ये भी जो भी मैंने वर्ड्स यूज किए ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विथ दैट, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वॉट इज कंपनी। मतलब ये जो बोला है ना कंपनी, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं कभी कभी आपको थियरी में भी आ जाता है, राइट, कि कुछ फिल्म्स में आ जाएगा। मतलब एक आध कंपनी का नेचर बोलेंगे और उसका नाम क्या है वो पूछ लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो इन दैट केस, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कंपनी, देन वी कैन गो फॉर अकाउंटिंग। सीधा अकाउंटिंग पे कैसे जा सकते हैं, कंपनी क्या है वही पता नहीं है तो। देखो, बिजनेस करने के ना अलग अलग टाइप्स है, मेजरली क्या है वो बता देता हूँ। जब एक सिंगल ओनर, सिंगल बंदा, एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है प्रोप्राइटर, ठीक है। मतलब वो होता है द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, उसके साथ और कोई भी नहीं है ओनरशिप में। ही इज द ओनली पर्सन हु मैनेज एवरीथिंग, हु कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड हु होल्ड द कंप्लीट स्टेक इन द बिजनेस। तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटर, जिसका हमने अकाउंटिंग देखा था 11th ग्रेड में। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप, सभी को पता है। पार्टनरशिप मतलब जब टू और मोर देन टू पर्संस कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ बिजनेस एंड रन दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। क्या बोला, जब दो और दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। उसमें जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। जब सिंगल ओनर था, सोल प्रोप्राइटर, तो जो भी प्रॉफिट था वो खुद अकेला ले लेता। फिर आता है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐसे अलग अलग टाइप्स है। उसी में से एक और टाइप आता है जो बड़े लेवल पे आता है। मतलब जब बड़े लेवल पे, ऐसे नॉर्मली कंसिडर होता है, छोटे लेवल पे भी चलता है कंपनी, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपनी हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट बेनिफिट्स देन दिस सोल प्रोप्राइटर एंड एवरीथिंग, वी विल सी दैट बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जब नॉर्मली कंसीडर कर रहा हूँ, नॉर्मली बोल रहा हूँ, जब बड़े लेवल पे बिजनेस होता है तो उसे कंपनी बोला जाता है। तो कंपनी का ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझोगे आप लोग तो आपको ऑलमोस्ट सब पता चल जाएगा अबाउट कंपनी। सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल, बना बनाया हुआ, राइट। नेचुरल पर्सन मतलब कौन पता है, आप लोग और मैं, मेड बाय नेचर। डेफिनेटली हमारे मम्मी डैडी ने बनाया, लेकिन फिर भी हम लोग होते होते नेचुरल पर्सन। फिर ये हो गया आर्टिफिशियल, मतलब क्या, कंपनी फॉर्म्स अंडर स्पेसिफिक लॉ। एक लॉ है, अभी 2013 कंपनी एक्ट 2013 चालू है, इसके पहले ऑलरेडी 4-5 एक्ट हो चुके हैं कंपनी के, जिसमें हर एक बार कुछ ना कुछ अपग्रेड 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 आता है तो एक्ट रिन्यू हो जाता है, नया एक्ट आता है। एज ऑफ नाउ कंपनी एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल। सो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करके एक नया पर्सन खड़ा थी, मतलब एक नई कंपनी खड़ी थी। नाउ प्लीज डोंट आस्क सर मेल है कि फीमेल है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, के विद द हेल्प ऑफ एक्ट, विद द हेल्प ऑफ लॉ एक नया पर्सन बना दिया ऑन पेपर, विच हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी और उसका कोई भी ओनर सेम नहीं है। कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। मैंने बोला ओनर्स मतलब नेचुरल पर्सन, कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, बट बोथ आर दी पर्सन ओनली, दोनों पर्सन से है ना, इसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ, राइट। तो फिर सेपरेट लीगल एंटिटी,
इन्होंने इसमें क्या बताया है, एक काम का लाइन पढ़ रहा हूं, अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर हु कॉन्स्टिट्यूट इट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूट, बनाना, फॉर्म करना. सो जिन्होंने कंपनी फॉर्म किया वो मेंबर्स और कंपनी टोटली अलग है. मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ओनर्स का और मेंबर्स का जो असेट्स लायबिलिटीज है वो कंपनी का नहीं है, और कंपनी का जो असेट्स लायबिलिटीज है वो ओनर्स का नहीं है. Both are different from each other. Next, person, not citizen. हमने क्या देखा? Artificial person. Now what is citizen? आप और हम. हम हो गए citizen. Citizen of India. Company को citizenship नहीं मिलता. ठीक है? Company कहीं पे भी operate हो सकती है. So it is a person, but not citizen. Next, perpetual succession. अभी क्या होता है ना? अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है, like 40, 50, 60 years से वो कंपनी रन हो रही है. So in between, ये जो 30, 40, 60 period का जो times में है, years का, उसमें ऐसे नहीं रहता कोई ना कोई मेंबर टिकट निकला रहेगा. समझते हो ना? मतलब किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ हुई रहेगी, कोई मेंबर्स निकल गए रहेंगे. मेंबर्स आने के वजह से और मेंबर्स जाने के वजह से कंपनी पे कोई भी असर नहीं होता. कंपनी जैसे चल रही है वैसे चलने वाली है. आई होप आप समझ रहे हो. मेंबर्स आते जाते रहते हैं, मतलब ओनर्स बदलते रहते हैं. आज किसी के पास शेयर है, उसने अपने शेयर किसी और को बेच दिए, बाद में वो शेयर होल्डर हो गया, तो ओनर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी वही के वही रहेगी. That is called as perpetual succession. Succession मतलब चालू रहना. Next, separate property. थोड़े टाइम पहले मैंने बोला, owners का पैसा अलग, owners का asset अलग, members का asset liability अलग, company का assets liability अलग. मतलब company खुद के नाम पे भी assets बना सकती है, company खुद के नाम पे भी bank loan ले सकती है. Members तो ले ही रहे. हमने कंपनी को क्या देखा, कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी है और आर्टिफिशियल पर्सन है. सो कंपनी हैज राइट टू ओ द असेट्स. असेट्स अपने नाम पे करके बना के रख सकती है. नेक्स्ट, कॉमन सेल. कॉमन सेल मतलब थप्पा, सिंपल भाषा में. लेकिन एक मिनट, कॉमन सेल इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी. अभी देखो, आप लोग और मैं साइन कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स पे. फॉर एग्जांपल, आपको टू व्हीलर देनी है, आपके डैडी ने बोला बेटा टू व्हीलर तेरे नाम पे ले, तो तू जाके वहां पे साइन कब करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, सब करेगा, राइट? तो वो केस में वो गाड़ी तेरे नाम पे बन गई. देन सिमिलरली कंपनी भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के नाम पे भी गाड़ी बन सकती है, तो कंपनी थोड़ी ना साइन करेगी. तो वो केस में कंपनी का कॉमन सील बनता है, इट इज सिग्नेचर ऑफ कंपनी. जैसे आप हम सिग्नेचर करते हैं, इट इज सिग्नेचर ऑफ कंपनी. द कंपनीज नेम इज एंग्रेव ऑन द सेल. एंग्रेव समझते हो, मतलब ऐसे नहीं वो ब्लू स्टैंप मारा और सिक्का मारा, थप्पा मारा, वैसा वाला नहीं. मतलब पेपर डालते उसमें से प्रेस करते, वो प्रेस के वजह से ना एंग्रेव हो जाता है, मतलब एक इंप्रेशन बन जाता है, यू कैन से. तो वो होता है कॉमन सील. नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सेल. मतलब क्या, कंपनी खुद किसी पे केस डाल सकती है, दूसरा बंदा या दूसरी कंपनी कंपनी के नाम पे केस डाल सकती है. अगेन द रीजन इज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. फॉर एग्जांपल, आपने मुझे फंसाया, मैं तो आपको नहीं फंसा सकता, मैं तो अच्छा इंसान हूं, तो आपने ही फंसाया मुझे, तो मैंने आप लोग पे केस डाल दिया. ठीक है, जो सपाट, तो मैं तुम लोग पे केस डाल रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज यू आर पर्सन और यार कंपनी इज आल्सो पर्सन, राइट? सो कंपनी कैन सू और दूसरे कंपनी पे सू कर सकते हैं. देखो, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी नोन बाय इट्स नेम एंड हेंस ऑल एक्शंस ऑफ द कंपनी शैल बी डन इन इट्स नेम. इन एनी सूट कंपनी शैल सू और बी सूड बाय इट्स नेम. Its own name. मतलब कंपनी खुद केस डाल सकती है अपने नाम से या कंपनी पे कोई केस डाल सकता है उसके नाम से. Next है owners versus management. Owners मतलब shareholders of the company, members of the company.
शेयरहोल्डर्स अपॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज एवरीथिंग. मतलब क्या होता है, अभी शेयर होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं. शेयर होल्डर्स आके बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते, एंड इनफैक्ट मेनी ऑफ देम इवन डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस. बिजनेस कैसे किया जाता है पता नहीं है, उन्होंने बस शेयर खरीदे हैं रख दिए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड में. सो वो केस में, प्राइवेट लिमिटेड में भी होता है एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स रहते हैं, तो वो केस में ओनर्स अलग रहते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट अलग रहता है. ओनर्स कंपनी मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेजमेंट रहता है, और वही पूरा कंपनी रन करते हैं. उसके बाद है राइट ऑफ एक्सेस. ओनर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन गो टू रजिस्टर ऑफिस एनी टाइम इन बिटवीन ऑफिस आवर्स टू चेक द रजिस्टर अकाउंट्स एंड एवरीथिंग. ओनर्स हैज दैट राइट, आप जब मन करे आप जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी आपको रजिस्टर चेक करना है फ्रीली चेक करो. क्यों? आफ्टर ऑल दे आर दी ओनर्स, दे आर दी मनी लेंडर्स, नॉट मनी लेंडर्स, दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी. मनी लेंडर्स विल बी डिबेंचर, आई एम सॉरी वर्ड टू वर्ड मत जाना. तो उन्होंने अपना पैसा डाला है कंपनी में, सो दे हैव राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्सेस द रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले एग्जाम्पल देता हूँ फिर अपने आप समझ जाएगा. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है, तो कल हो के उसके उसके सिर पे लाइबिलिटीज बढ़ गया, उसने बहुत सारा लाइबिलिटीज लिया था, लोन लिए थे, उससे सेटल नहीं हो पा रहे, तो जिन्हें जिनसे उसने लोन लिए हैं वो बंदे या वो बैंक्स उसका पर्सनल असेट बेच देंगे, दैट इज उसका घर, गाड़ी, बंगला जो रहेगा, और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे. राइट, सो इन दैट केस द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. व्हाई अनलिमिटेड? उसका घरदार बिक रहा है ना यार, उसके पर्सनल असेट्स बिक रहे हैं. बट इन केस ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स के या मेंबर्स के पर्सनल असेट्स नहीं बिकने वाले, उनका लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स. क्या बोला? अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स. फॉर एग्जांपल उसके पास शेयर्स है लेटेस्ट से 50,000 के. शेयर्स क्या है मीनिंग बाद में समझाऊंगा, बट उसने 50,000 के ओनरशिप के लिए अप्लाई किया है, एंड टिल डेट ही हैज पेड ओनली 30,000. कल हो के कंपनी लॉस में जाती है, लाइबिलिटी गले में आता है, इन दैट केस 20,000 जो बैलेंस है ना वो उससे निकलवाया जाएगा और कंपनी की लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगे. दिस इज द बेस्ट बेनिफिट और मेजर बेनिफिट ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी डूब भी जाती है तो भी ओनर्स का घरदार नहीं बिकेगा, वो उनका प्राइवेट असेट सेफ रखेंगे कंपनी के असेट्स का ना. क्यों? देखा ना ऊपर, कंपनी कैन हैव देयर ओन असेट्स, इधर गया सेपरेट प्रॉपर्टी. राइट, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज अ प्रोसीजर टू ट्रांसफर द शेयर्स, मींस ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए देयर इज अ प्रोसीजर. But in case of public limited company, you can freely transfer the share. There is no restriction. You can purchase, sell. Share market में जो चलता है वो. You can buy, sell shares of the company. And accounts and audit. Accounts clear cut रखना पड़ता है as per company law. और audit भी अच्छे से करना पड़ता है as per company law. Now what is audit? जो accounts maintain होता है, वो checking करने का काम, मतलब auditing. Audit normally done by chartered accountants. So, accounts check करने का काम ऑडिटर का, so उसे बोला जाता है ऑडिट. तो ये हमने देखे कुछ characteristics of the company. इसके बाद holding company and its subsidiary means AB Limited और PQ Limited. AB Limited holds more than 51% shares in PQ Limited. क्या बोला? AB Limited holds more than 51% shares in PQ Limited. In that case, AB Limited हो गया holding company, ये PQ हो गया subsidiary. मतलब जब एक company दूसरे company के अंदर 51% से ज़्यादा shares hold करती है, means that company is major shareholder of this company. So वो हो गया holding, ये हो गया subsidiary. And the last one. What do you mean by shares? देखो, share is
share capital of the company. Share capital of the company. Share का मतलब हुआ share that is part. ये हो गया इस ये share word का meaning हो गया part, some part in share capital of the company. This is total capital of the company. मतलब simple example, Tata Industries इतनी बड़ी company है, उसमें लगा हुआ सबका सब पैसा रतन टाटा जी का नहीं है, उसमें लगा हुआ थोड़ा बहुत पैसा उनका है, he is the main owner, लेकिन बाकी शेयर होल्डर्स ने भी उसमें अपना पैसा डाला है. सो टोटल शेयर कैपिटल जो रहता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसी को शेयर कैपिटल शेयर बोला जाता है. क्या बोला? टोटल शेयर कैपिटल लाइक 1000 crores. कोई एक बंदे का 1000 करोड़ रहना डिफिकल्ट टास्क है, कहां से लाएगा पैसा? तो वो केस में उसका रहेगा 200-300-100 crore. बाकी पैसा छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का रहेगा जो उन्होंने अपना खुद का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी का शेयर खरीदा, मतलब वो कंपनी के पार्ट ओनर्स हो गए. इसे चाहिए वैसे बोलो लेकिन मीनिंग समझो. शेयर का मतलब शेयर इन मतलब पार्ट इन टोटल शेयर कैपिटल. जस्ट इग्नोर दिस रेडिंग बट टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो टोटल शेयर कैपिटल रहेगा उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटा रहेगा. 10 रुपए का एक शेयर, तो 1 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, लाइक दैट छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा रहेगा, उसे शेयर बोला जाता है. बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि शेयर क्या रहता है, व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, डिस्काउंट, प्रीमियम, एवरीथिंग. सबसे पहले हम लोग ये सब वर्ड्स से फैमिलियर होंगे, देन वी विल मूव अहेड विद अकाउंटिंग का पार्ट. सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.